हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक अनदर DIY। ये है मेरा एक बेकार सा पड़ा हुआ शोरूम गिफ्टेड बैग, और इसको मैं आज बहुत ही हैपनिंग और ब्यूटीफुल सा बनाने वाली हूँ, बहुत ही क्यूट बनाने वाली हूँ अपने बेटे के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जो भी बैग आपके पास है, आप उसको देखिए, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका शेप कैसा है, अकॉर्डिंगली आप उसमें क्या ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। एंड बाद में जो भी उसके ऊपर प्रिंटेड है या जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके डिज़ाइन में आए, उसको आप बैग का जो सेम कलर है, लाइक मेरा यहाँ पे ब्लैक बैग है, तो मैं ब्लैक कलर से उसको पेंट करके उसको हाइड कर दूंगी। ओके, तो मेरा जो ये बैग है वो थोड़ा मुझे कार शेप का लगा, तो मैं यहाँ पे एक कार का स्केच ड्रॉ कर लूँगी, लाइक उसका टॉप पार्ट, साइड पार्ट, फ्रंट एंड बैक, क्योंकि इस बैग में बिल्कुल वैसा ही थोड़ा सा उसका शेप है। तो टॉप में मैं कुछ मैंने ड्रॉ किया, फिर मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे वाइट पेंसिल का यूज़ किया है क्योंकि ब्लैक बैग है। आप अपने कन्विंस के अकॉर्डिंग, अगर वाइट बैग है तो ब्लैक पेंसिल या कुछ भी नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, पेंसिल यूज़ करने से आप उसको टाइम टू टाइम, अगर आपको लगे ये ठीक नहीं है, उसको आप इरेज करके चेंज भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ, मैंने पहले कुछ ड्रॉ किया, फिर मुझे कुछ समझ में आया, बीच बीच में मैंने डिज़ाइन को चेंज भी किया है, बट फाइनली रिजल्ट पेंट करने से पहले आप फाइनलाइज कर लीजिए। यहाँ मैं व्हील्स ड्रॉ कर रही हूँ साइड पार्ट में, देन उसके विंडोज़ एंड उसका डोर, बिकॉज इट्स अ कार, एंड सिंपल ड्रॉ करूँगी मैं। आप कहीं से रेफरेंस भी ले सकते हैं, आप गूगल से रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, तो स्केच पूरा होने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है, बहुत ही प्यारा सा ब्लू है। बॉयज़ को ब्लू बहुत पसंद होता है गाइस, तो मेरे बेटे को भी चाहिए कि उसको एक ब्लू कलर का कार उस बैग पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से कार के पार्ट्स जो होते हैं उनको कलर करना स्टार्ट कर दिया है। व्हील्स ऑब्वियसली हम ब्लैक रखेंगे, उसमें मैं कलर नहीं करूँगी। एंड जो भी छोटे मोटे एलिमेंट्स है, लाइक ग्लास है, आउटलाइन है, एंड जो भी हैंडल्स हैं उनको मैं लाइट ग्रे करूंगी बाद में।
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. So यहाँ पे मैंने outline start कर दिया है. White color से मैं outline करूँगी. आप चाहें तो black से भी कर सकते हैं, but मुझे लगा ये dark blue है तो इस पे white outline अच्छा लगेगा. So I did that. गाइज जितना इजी ये दिख रहा है ट्रस्ट मी इतना मेरे लिए था नहीं. एक बैक और एक फ्लैट सरफेस में बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. लाइंस थोड़े बहुत यहाँ वहाँ हुए बट आई थिंक एंड रिजल्ट आपको ज़रूर अच्छा लगेगा. सो प्लीज़ जब भी ऐसा कुछ हो उसे छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो एंड रिजल्ट होता है वो ऑसम आता है. और यहाँ पर मैं टेल लाइट और सामने का यानी कि फ्रंट बम्पर एंड ऑल वो सब मैं ड्रॉ कर रही हूँ. वाइट लाइन से ही कर रही हूँ, बाद में ब्लैक फिलिंग करूँगी देखूँगी. और लाइट्स को मैं येलो या कुछ ऑरेंज पेंट कर दूँगी. सो लकी नंबर 27 मैं यहाँ पे ड्रॉ करके उसको आउटलाइन किया है वाइट से. आप जो भी आपका हो नंबर वो कर सकते हैं. कार का नंबर भी मैंने ड्रॉ कर दिया है एंड यहाँ पे बहुत ही स्पॉटी सा लुक आया है. फाइनल लुक के लिए जस्ट वेट. सो गाइज देखा आपने, थोड़े से एफर्ट से हमने एक बोरिंग से बैग को कितना ही क्यूट बना दिया है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. तो निकालिए अपने ओल्ड बैग्स और रंग डालिए उन्हें. एंड ये है एक और बोरिंग सा ब्लैक बैग जिसको मैंने फ्लावर्स और बटरफ्लाई थोड़े से एलिमेंट्स डाल के बहुत ही क्यूट सा बना दिया है. आई होप अब ये थोड़ा सा गर्ली लग रहा होगा एंड आपकी डॉटर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल. तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन.